साथ क्यूटी नतीजों पर खास बातचीत के लिए अब राइट्स लिमिटेड के सीएमडी राहुल मित्तल भी जुड़ गए हैं। राहुल साहब, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए बजट की बातों से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर आपके काम हेतु कई सारी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और उसी पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खाका हमें बता दें। जिस तरह से रेलवे इंफ्रा पर तवज्जो बढ़ाया गया है, कॉरिडोर्स हो गए या 40K रेलवे कोचेस हो गए, कैपिटल आउटले जो सबसे ज़्यादा है 2014 के मुकाबले 9x के आसपास का, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिहाज से और कितनी बनती हुई दिखाई दे रही हैं? जी नमस्कार। देखिए, राइट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि अब हम जैसे 50th ईयर में हैं एंड मे बी वी आर दी ओनली कंपनी जो PSU या प्राइवेट कंपनी इन इंडिया जो अक्रॉस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में कंसल्टेंसी करती है, तो चाहे वो रेल इंफ्रा हो, एयरपोर्ट, मेट्रो, हाईवे, पोर्ट्स। सो जो बजट में 11 लाख करोड़ का कैपेक्स में बजट है, विच इज हमारे लिए सभी सेक्टर्स में, हमारे 13 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जो देश विदेश में कंसल्टेंसी करते हैं, और इस कैपेक्स पुश में हमें सभी वर्टिकल्स में हमें बहुत फायदा होगा एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि हम इसको और फर्दर लीवरेज कर पाएंगे। चलिए कैसे लेवरेज करेंगे इसकी रणनीति मैं आपसे जानूंगी, लेकिन वो चर्चा में आगे होगा। थोड़ा सा एक्सपोर्ट सेगमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जहां पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो आप हमें समझाएं कि किस तरह से हैम्पर जो होता हुआ देखा है, क्या वजह उसके पीछे रही है और रिकवरी साइंस क्या हैं? देखिए, हमारे 4 ब्रॉड स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक एक मेजर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है जो एक हाई टॉप लाइन और हाई मार्जिन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है। अनफॉर्चुनेटली करीब 2-2.5 साल कोविड पीरियड में हमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं मिला, और जो हम पिछले 1.5-2 साल में जो 2 ऑर्डर प्री कोविड थे उनको सर्विस कर रहे थे, एक मोजाम्बिक का और एक श्रीलंका का। सो जैसा आपने देखा होगा हमारे इस साल के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू का बहुत कम रहा। हमारी पूरी कोशिश थी पिछले 1-1.5 साल से एक मेजर ब्रेक थ्रू करने का कि जैसे ये कंट्रीज अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी रिकवर कर रही थी कि हमें फ्रेश एक ऑर्डर एटलीस्ट एक्सपोर्ट का मिले, और सबसे हमें खुशी की बात है कि इस क्वार्टर में हमें पहला ऑर्डर 300 करोड़ करीब का 10 लोकोमोटिव का मोजाम्बिक का ऑर्डर मिला कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू, और जो ये अगले आने वाले साल में रेवेन्यू जनरेट करेगा। फर्दर एक ग्लोबल टेंडर 200 कोच का बांग्लादेश का हुआ करीब 900 करोड़ का, जिसमें भी हम L1 करार दिए गए हैं और हमें आशा है कि कुछ हफ्ते में ये फाइनाइट ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, और वो भी हमारे आने वाले FY में रेवेन्यू में हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। तो ये जो एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू था जो हाई मार्जिन हाई टॉप लाइन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू था जो हमें हिट कर रहा था पोस्ट कोविड, वो आई एम श्योर कि अब कमिंग FY में दिस विल सी अ रिवाइवल अगेन। राहुल जी, ये बताएं कंपेटिटिव बिडिंग से मार्जिन्स प्रेशर में है थोड़े से, 29 to 30% के मार्जिन लेवल्स कब तक दिखाई दे रहे हैं आते हुए? देखिए, जो हमारे जितने वर्टिकल्स कंसल्टेंसी के हैं, इंक्लूडिंग फर्दर ये जो एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के भी जो ग्लोबल टेंडर्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये ट्रेंड हमें अब देखने को मिल रहा है कि अक्रॉस सेक्टर्स एक तो मोर एंड मोर क्लाइंट्स जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए, बोथ इन डोमेस्टिक कंसल्टेंसी एंड इंटरनेशनल कंसल्टेंसी। द एरा ऑफ गेटिंग ऑर्डर्स इन नॉमिनेशन वो कम होता जा रहा है। सो ऑब्वियसली टू बी मोर कॉम्पिटिटिव मार्जिन्स आर डेफिनेटली अंडर स्ट्रेस। तो ये जो एरा ऑफ 29-30% एबिटा मार्जिन जो था, इट विल बी डिफिकल्ट टू रीच दैट लेवल। हाउएवर आर एम इज, जैसे इस क्वार्टर में वी आर प्राउड टू से दैट द फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा एक विजन था टू बी अ 1 order a day कंपनी, हम लोग इसको अचीव कर पाए। हमें इस क्वार्टर में 100+ ऑर्डर्स मिले टोटलिंग टू 600+ करोड़। सो नाउ वी आर अ 1 order a day कंपनी। तो मोर एंड मोर जैसे हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, और ऑर्डर बुक इज ग्रोइंग, और एम विल बी कि मार्जिन्स हम सिक्योर कर पाए, मे बी नॉट एट द हिस्टोरिकल लेवल्स बट वी गेट मोर रेवेन्यू रियलाइजेशन विद दीज बिगर ऑर्डर्स एंड मोर ऑर्डर्स, सो दैट एक्चुअल एबिटाज एंड प्रॉफिट्स सी अ हेल्दी double-digit growth in the coming FY। राहुल साहब, धन्यवाद, समय निकाला आपने और इतने विस्तार से तमाम पैमानों पर और नतीजों पर हमसे आज बातचीत भी की है। और आस्था मेरे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, जिस तरह से यहाँ पर ऑर्डर बुक और तमाम बातों पर अपनी राय रखी है मैनेजमेंट ने, राइट्स को लेकर आपका व्यू? राइट्स को लेकर देखिए, व्यू अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि बजट की वजह से जिस तरह से एक बूस्ट मिलने आया है पूरे सेक्टर को, कंपनी की बेनिफिशियल रहेगी। होल्ड करने की सलाह दूंगी। टारगेट इसमें मुझे लगता है कि इनिशियली जो हमको देखने को मिलेंगे वो 770 से लेके 800 तक के रहेंगे। चलिए, 770 से लेके 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एंट्री के लिए ये लेवल्स अब भी सही है? किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी हो, थोड़ा सा डिप और आना चाहिए और जिसमें खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। डिप कहाँ तक का मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 650 से लेके 630 के बीच में अगर कोई डिप आता है तो वो बहुत बढ़िया लेवल्स होंगे एंटर करने के लिए। चलिए, राइट्स लिमिटेड में 650 या 630 तक का अगर डिप आता है तो आपको एंट्री करने की सलाह दी जा रही है अगर आपको नई खरीदारी करनी हो। और 770 से 800 तक के लेवल्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं आस्था की तरफ से। आस्था, कब तक की ड्यूरेशन है इस लेवल्स के लिए? ये ड्यूरेशन अभी तो फिलहाल 2 से 2 महीने के लगभग रखी जा सकती है। चलिए, 2 महीने की यहाँ पर ड्यूरेशन है।